देखिए, 30 मार्च 2022 की डेट जैसे जैसे पास आते ही जा रही है तो दिल की धड़कनें जो हैं दो बढ़ने लग गई हैं हम सभी की, और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। तो मैंने सोचा क्यों ना कि ऐसा वीडियो बना जाए जो मैं आपके साथ में शेयर करूं। हो सकता है कि आप हो सकता है इस बात से मेरे रिलेट करें या नहीं करें, आपको मेरा वीडियो अच्छा है लगे या ना लगे, बट मेरे पास जो एक मन में एक कुछ भावनाएं थी वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। तो प्लीज वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा। मैं हूं ज़ावेद जाफरी और इस वक्त आप मेरे चैनल पर हैं। आपको बता दें कि सबसे बढ़िया बात आपको बता दें कि 30 मार्च की जो डेट है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हम सबको पता है। उसके पहले हमको क्या कुछ काम कर लेने चाहिए, देखिए मेरे हिसाब से जो मुझे बेस्ट लगा मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। नंबर वन, तो आप जितना भी हो सके द टॉप डॉट लाइव को जो है शेयर कीजिए, THETOP.LIVE लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो है इसमें क्लियरली कहा गया है ये जो इवेंट है सिर्फ फाउंडर्स के लिए नहीं है, ये बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। मतलब आपके दोस्त, रिश्तेदार, फ्रेंड्स और जो भी बोल सकते हैं आपके सर्कल में जितने भी लोग हैं जिन्हें आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे शेयरिंग करिए फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिए। नंबर वन तो टॉप डॉट लाइव को शेयर कीजिए। दूसरी बात, यहां पर आए एक चीज का ध्यान रखिए कि जो हमारे एक बहुत ज्यादा पॉइंट है जो मुझे सबसे बेस्ट लगता है, आई थिंक कि 30 मार्च के पहले जो आप कोशिश कीजिए कि अपनी टीम के साथ, मान के चलिए आपकी 10 लोगों की टीम है, आपकी 100 लोगों की टीम है, आपकी 50 की, आपकी 1000 की है, 2000 की है, ठीक है हम वेबिनार मीटिंग्स तो अटेंड करते ही हैं, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि अपने टीम के साथ छोटी छोटी मीटिंग जरूर कीजिए। जैसे सपोज आपके 100 लोगों की टीम है तो आपको कोई अलग से प्लेटफॉर्म खरीदने की जरूरत नहीं है। जूम का फ्री पैकेज जो रहता है 40 मिनट वाले में आई थिंक फ्री होता है, 40 मिनट की मीटिंग मेरे हिसाब से तो बहुत होती है, 40 मिनट का जो है पैकेज फ्री होता है। तो आप जो है जूम पर जाइए और अपने कम से कम 100 लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। आप 10 हो तो 10 को कनेक्ट कीजिए, 50 हो 50 को कीजिए, ऐसे टीम के हिसाब से छोटी छोटी शेयरिंग कीजिए। देखिए आज है क्योंकि 28 और आई थिंक मैं भी अपने जो टीम है थोड़ी बहुत उसके साथ 300-400-500 की, तो उनके साथ में अपना एक शेयरिंग कर रहा हूं एक अलग से मीटिंग करके, राइट, ताकि आप उनको इन्फॉर्म कर सकें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है कि आप ये जो छोटी मीटिंग्स करें उसमें आप कोशिश कीजिए मैक्सिमम शेयरिंग करिए, क्योंकि हमको यहां पे भर्तियां नहीं करनी है बहुत सारे लोगों की कि नए लोग आएंगे और तो हमारा बहुत काम बढ़ेगा, क्योंकि एस सर ने भी बोला है और बार बार ये कहा गया है कि हमारा इवेंट दुनिया के लिए जरूर आ रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि नए फाउंडर को हमको अट्रैक्ट करना है या उनके पीछे पड़ जाना है, बिल्कुल नहीं, जस्ट हमारा शेयरिंग करना है। और आप जब ये मीटिंग्स करें तो उसमें ये चीज बता दें कि देखिए अब आई थिंक अभी तक ऑफिशियली कहीं भी नहीं आया है कि इसका फाउंडरशिप कब क्लोज होगा ऑन पैसिव का, लेकिन अभी तक कई बार ऐसा मौका आया था जब ऐसा लग रहा था कि शायद अब फाउंडरशिप क्लोज हो अब हो, लेकिन अब जो है वो नजदीक बहुत आ चुकी है वो डेट। उसकी डेट हम तो अभी बताएंगे नहीं क्योंकि है ही नहीं, अभी फाइनली डेट नहीं आई है, लेकिन फाउंडरशिप ये बात तो डन है कि बहुत ही क्लोज होने जा रही है फाउंडरशिप बहुत ही जल्दी। तो अपने जो छोटी छोटी टीम मीटिंग्स आप करें उसमें कोशिश ये कीजिए कि अपने जितने भी पेंडिंग फाउंडर्स हैं उनको एक बार रिमाइंडर जरूर मार दीजिएगा और इस इवेंट के बारे में जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे बराबर प्रॉपर तरीके से, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ 2 दिन का वक्त है, एक ही दिन मान लें लगभग है, तो आप ज्यादा से ज्यादा उसको शेयरिंग कीजिए। और टाइमिंग को आप ध्यान रखिए क्योंकि इसका जो टाइमिंग है वो इंडियन टाइम के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है, वो है 7:30 बजे, मतलब इंडिया का टाइम जो है शाम में 7:30 बजे है इस तारीख को 7:30 बजे। तो ये नोट डाउन कीजिए 7:30 बजे को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, द टॉप डॉट लाइव पे जैसे ही जाएंगे तो 7:30 बजे आप ऑटोमेटिकली बड़े इवेंट में जो इंटर हो जाएंगे। और हैदराबाद ऑफिस में जो लोग जाएंगे उनके लिए तो अभी से एडवांस में बधाई, वो लोग वहां से उस लाइव इवेंट का मजा लेने वाले हैं दोस्तों एक बिग स्क्रीन पे, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। कोशिश कीजिए अगर आपके पास स्मार्ट टीवी है तो जो है आप इसको लाइव इवेंट को जो देखिएगा अपने बिग स्क्रीन पर, राइट। तो ये चीजों का आप स्पेशल ख्याल रखिए क्योंकि ये मेरे हिसाब से लगता है ये बेस्ट पॉइंट थे जो मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं। और आपका भी जो कुछ पॉइंट हो अलग से कुछ ऐसा कि आपको लगता है कि यार ये बेस्ट है, आई थिंक ये होना चाहिए, तो आप 30 तारीख के पहले पहले ये सारी चीजों का ध्यान रखिए। और एक चीज और बता दूं थोड़ा सा, क्योंकि होता क्या है नेट कनेक्शन हमारे पास प्रॉपर होता नहीं है, हम 1 या 2 GB लेकर के रखते हैं, तो कोशिश ये कीजिए कि आप जो है अपना जो पैकेज को थोड़ा सा फुल करके रखिए,
तो उससे होगा क्या कि आपके बीच जो लाइव इवेंट चलेगा कहीं भी आपका बंद नहीं होगा। आप थोड़ा सा इंटरनेट का यूज ज्यादा कीजिए। आई थिंक अगर आप जियो के यूजर हैं तो आई थिंक 25 रुपए में आपको 2 GB मिल जाता है, तो कोशिश कीजिए कि 50 रुपए वाला अलग से और डला लीजिए आपका जो पैकेज रहता है उसके अलावा, ताकि आप जो है 4-5 GB एक्स्ट्रा लेकर के चलिए, तो आपको इजिली जो है इवेंट में कहीं भी बोल सकते हैं कि रुकाव नहीं आएगा और आप कंटिन्यू जो है उस इवेंट को देख पाएंगे। और मैक्सिमम को शेयर कीजिए, मैं फिर से आपसे रिपीट करूंगा। तो दोस्तों बिल्कुल तैयार हो जाइए एक शानदार इवेंट के लिए और बेसब्री से इंतजार कीजिए। और प्लीज एक बार अगेन फिर से कहता हूं कि छोटी छोटी अपनी जो टीम है उनको साथ में आप थोड़ा सा एक बार मीटिंग कर लीजिए और कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम पेंडिंग फाउंडर्स को और एक्टिव कर दें, उन्हें इवेंट में भी ले जाएं और उन्हें थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए कि देखिए अब फाउंडर्स फाइनली क्लोज होने वाली है, फाउंडरशिप बहुत ही जल्दी हो सकती है, तो आप जो है अपना जो है पैकेज को एक्टिव करके और शुरुआत कीजिए।